अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा आज मैं जा रहा हूँ लाहौर में ढाका देखने के लिए। हमारे यहाँ लाहौर में भी ढाका, एक्चुअली एक ढाका तो ऑफकोर्स बांग्लादेश में है, लेकिन एक ढाका बल्कि एक दो तीन ढाका लाहौर में भी हैं। सो आज हम देखते हैं कि वो लाहौर में ढाका कौन से हैं। और ढाका वो शहर है जिसे मैं बड़ा प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता भाई, लेकिन शायद वो बंगाली शहर है, लेकिन बंगाली शहर तो कोलकाता भी है, लेकिन जो प्यार ढाका से है वो नहीं है किसी और से। सो लेट्स सी कि लाहौर में ढाका कैसे हैं और लाहौर में ढाका कहाँ कहाँ पे है। चलिए देखते हैं। जी तो आपने जो रेस्टोरेंट आपका है ढाका भैया बिरयानी, इसका नाम ढाका क्यों रखा? आपका ताल्लुक क्या ढाका के साथ? यही ताल्लुकात है कि जब पाकिस्तान बांग्लादेश भी पाकिस्तान में होता था तब वहाँ पर हमारा ढाका राइस मिल था, ठीक है, उसी को याद ताज़ा करने के लिए यहाँ पर ढाका भैया बिरयानी खोला। वहाँ पर भी हमारी बिरयानी का काम था, ठीक है, और एक वहाँ की बिरयानी मशहूर है। आप बंगाली हैं कि आप पंजाबी हैं? पंजाबी हैं, पंजाबी, लेकिन आप वहाँ पर बस गए थे? पाकिस्तान एक था तो जिस तरह यहाँ से इस्लामाबाद है, पेशावर है, इस तरह वो भी बांग्लादेश इसी तरह होता था, ठीक है, यहाँ से लोग आते थे जाते थे। जब दोनों मुल्कों के लहदा बांग्लादेश लहदा मना कर गया तो हम यहाँ पर आ गए, जिसने पाकिस्तान का नारा लगाया पाकिस्तान में रह आ गए, जिसने बांग्लादेश का नारा लगाया बांग्लादेश में रह गए। तो आप कभी दोबारा गए वापस बांग्लादेश? नहीं, वापस नहीं गए। हमारे सारे जितने खानदान थे सारे यहाँ पर आ गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये आपकी दुकान का नाम ईमान ढाका स्वीट्स है, तो इसका नाम ढाका पे क्यों रखा आपने? ये सर हमारे पास जो रेसिपी है ये सारी बंगाली रेसिपी होती है, हमारे पास कारीगर बंगाली हैं, ठीक है, इसलिए ये ढाका स्वीट कराची में है, सबसे पहले जो बनी है पाकिस्तान में। अच्छा, तो वहाँ से हम टोटल जो है ना स्टाफ ले गए, ठीक है, पंजाब में शिफ्ट, बांग्लादेश से? बांग्लादेश, ठीक है। टोटल हमारे पास जो कारीगर है बंगाली अभी भी है वो? जी जी, कराची में है कि लाहौर में? इधर लाहौर में, लाहौर में है, फिर इस्लामाबाद में है, ठीक है। इसलिए जो जितने रेसिपी हैं ये कम मीठे में होती है, ये सब बंगाली स्वीट्स हैं, सुंदर सब्जी है, मोतीचूर, ये सारे बंगाली स्वीट्स, ठीक है, ठीक है। ये आप मुलाजिम हैं यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है।